आपको ये क्वेश्चंस भी बता रहा हूँ, इनके सॉल्यूशन भी बता रहा हूँ फिर ना, साथ ही साथ तो दो चीज़ हो जाएगा। तो देखो क्या है आज का टॉपिक, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन एंड न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। तो मैंने आपको बताया जैसे कि एक कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंस हो गया, फिर इंटरपोलेशंस मिडिल है, और फिर ये वाला न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन, और इसमें भी जो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन वाला पार्ट है ये बहुत डोमिनेटिंग पार्ट है ना। तो इसके कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन है, कुछ तो सिंपल से ही क्वेश्चन है। जैसे पहला ही क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन गिव्स, ठीक है ना, तो आप लोग बताएंगे मेरे को अगर आपको आइडिया है, कोई बात नहीं, सही गलत उससे ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। ये कह रहा है न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन गिव्स एग्जैक्ट वैल्यू, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू, ऑप्शन सी है नो रिजल्ट, ऑप्शन डी नेगेटिव वैल्यू। तो तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए इसका आंसर? ऑप्शन डी ऑप्शन डी। बी बी ऑप्शन शॉर्ट ऑप्शन बी लग रहा है। हाँ ठीक है। तो याद रखना चाहे न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन हो चाहे न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन हो, वो क्या वैल्यू देता है? अप्रोक्सीमेट वैल्यू देता है। ये कई बार हम डिस्कस भी कर चुके हैं, ये डिफरेंशिएशन है नॉर्मल में, और इसमें ये डिफरेंशिएशन भी है, क्योंकि जो जब हम नॉर्मल करते हैं तो वहां पर हमको वैल्यू आ जाती है, लेकिन यहाँ पर हम जो वैल्यू का आइडिया लगाते हैं वो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू, इसीलिए यहाँ एरर भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो एक दिन मैं एरर पे भी आपको सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वैसे एरर के वही चार क्वेश्चन है कि ऑर्डर उसका कितना होता है, एच स्क्वायर, सिम्पसन 3/8 का, 4 1 1/3 का भी 4 ही है, और उसका क्या है 6 है शायद। फिर अगला क्वेश्चन है इन न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन द रिजल्ट इज ऑलवेज डिपेंड अपॉन द अप्रोक्सीमेटेड पॉलिनोमियल, ठीक है ना, क्लियर है? ये कह रहा इन न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन, जो न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन होता है उसमें जो रिजल्ट होता है वो ऑलवेज डिपेंड अपॉन द अप्रोक्सीमेटेड पॉलिनोमियल्स, जो अप्रोक्सीमेटेड पॉलिनोमियल है उस पर ही रिजल्ट डिपेंड करता है। तो ये बात सही है कि गलत है, क्या लग रहा है तुमको? ठीक है, सीधी सी बात है। क्यों? क्योंकि भैया मैं कह रहा हूं जब अभी आपने लगाया कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू देता है तो पॉलिनोमियल तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि जो आप न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड फार्मूला लगाते हो, न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड फार्मूला लगाते हो, चाहे स्टीलिंग लगाते हो, चाहे बेसल्स लगाते हो, चाहे हमने लेग्रांजे इंटरपोलेशन फार्मूला पढ़ा न्यूमेरिकल, चाहे हमने न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला पढ़ा, तो बेसिकली क्या था, क्योंकि जो इंटरपोलेशन की एजम्पशंस थी जो बताया था, तो वो क्या है, वो पॉलिनोमियल में होना चाहिए ना, तो यानी उसी का पार्ट है ना, उसी को आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं हम, उसी को तो उसको फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो उसी पर आप अप्रोक्सीमेट करते हो। किस पर? जो पॉलिनोमियल आपके होते हैं उन्हीं पर आप क्या करते हो, तो अप्रोक्सीमेट करते हैं। तो यानी इसका आंसर जो है वो सही है, क्या आएगा? यस आएगा इसका आंसर, ठीक है, इसका आंसर हो गया यस। अब तीसरा क्वेश्चन है द जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला इज, जो जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला होता है इसका आंसर बताओ जरा, जो जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला होता है। 2 मिनट है, कोई ऐड होना चाह रहा है। अब है द जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला, तो देखो पहली बात है कि डिपेंड अपॉन द इंटरपोलेशन फॉर्मूला, ऑप्शन बी है ऑलवेज द सेम, ऑप्शन सी है नॉट इजी टू डेराइव, और ऑप्शन डी है ऑल्सो गिवन अप्रोक्सीमेट रिजल्ट। तो क्या आएगा तुम्हारा आंसर, बोलो? ऑप्शन ए सर, ऑप्शन कितने लोग ऑप्शन ए बोल रहे हैं और कितने लोग ऑप्शन डी बोल रहे हैं? चलो ये तो दो तो काट दिए हमने ना, क्योंकि ये दो तो हो ही नहीं सकते कि ऑलवेज द सेम, ये गलत हो गया, और नॉट इजी टू डेराइव, नॉट इजी टू डेराइव। अब इन दो में है लड़ाई, डिपेंड अपॉन द इंटरपोलेशन फॉर्मूला, और तीसरा है ऑल्सो गिवन अप्रोक्सीमेट रिजल्ट, द जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला, जिससे जब आपने एन इजिकल टू 1 रखा तो ट्रेपीजोडियल बना, एन इजिकल टू 2 रखा तो सिम्पसन 1/3 बना, एन इजिकल टू 3 रखा तो सिम्पसन 3/8 रूल बना, वो था जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला, या जिसको न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फॉर्मूला भी हम लोग बोल रहे थे। तो मैं ये कह रहा हूं इनमें कौन कौन सा ऑप्शन सही है, कितने लोग ऑप्शन ए बोल रहे हैं? सर ऑप्शन ए, ऑप्शन ए कितने लोगों का है? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, और डी किस किस का है? डी सर, डी ऑप्शन डी। ठीक है, तो देखो इसका आंसर ए और डी दोनों है ना, जानबूझ के दिया था मैंने कि तुम लोग कितना कॉन्फिडेंट है, क्योंकि मैं कह रहा हूं ना अपने, एक तो हमारे को आदत पड़ गई है कि मेरे को एक ही आंसर चाहिए ना, मतलब पेपर में भी उसी आदत से जाता है आदमी ना,
और किताबों में भी ऐसे ही बन रखे हैं प्रश्न के एक ही आंसर, लेकिन मैंने जानबूझ के दो ऑप्शन दे दिए ताकि मतलब आप सोचो कि जरूरी थोड़ी कि एक ही आंसर सही है ना इसका। अरे वहां तो वो चलो व्यवस्था जो भी करेगा करेगा, वहां तो वो ऑप्शन देगा जैसा भी देगा कि ए और डी ठीक है, क्योंकि हम अभी उस पैटर्न में तो है नहीं ना। मैं तो तुम्हें चेक कर रहा हूँ कि तुम लोग कितना समझ रहे हो, तो क्योंकि भाई देखो एक में तो तुक्का भी लगता ही है ना, एक में तो हमेशा आदमी, क्योंकि आपने जैसे पहले वाले क्वेश्चन में था तो तुम सबको पता था कि सर रोज रोज बोल रहे हैं कि न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो है वो अप्रोक्सीमेशन से रिलेटेड है, तो तुमने अप्रोक्सीमेशन को कर दिया। फिर दूसरे में तुमने देखा कि न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन जो है इंटरपोलेशन, क्योंकि इंटरपोलेशन तो पढ़ के आए थे, फिर अप्रोक्सीमेशन भी वर्ड लगा दिया था उसने कि अप्रोक्सीमेटेड पॉलिनोमियल, तुमने यस कर दिया। अब तीसरे क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा बदला कि दी जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला जो है, जनरल क्वाड्रेचर जो फॉर्मूला है वो डिपेंड अपॉन द इंटरपोलेशन फॉर्मूला। तो भैया जो जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूला है ये बेसिकली डिपेंड किस पे होते हैं, इंटरपोलेशन फॉर्मूलों पे ही डिपेंड होते हैं ना, उसी से डेराइव होते हैं ना, ये डेराइव तो वहीं से हुआ है, जो न्यूटन कोट्स क्वाड्रेचर फॉर्मूला है वो वहीं से डेराइव हुआ है, न्यूटन इंटरपोलेशन फॉर्मूलों से। फिर इसके बाद है ऑल्सो गिव दी अप्रोक्सीमेटेड रिजल्ट, तो रिजल्ट भी अप्रोक्सीमेटेड आ रहा है, तो आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए था कि सर नहीं ए और डी दोनों ऑप्शन सही है, ठीक है ना। नहीं सर, मैं तो बोलने वाला था सर, लेकिन उसने ऊपर आपने एमसीक्यू लिखा था ना सर, तो मुझे लगा था एमसीक्यू होगा। अरे यार तो सर मुझे भी दोनों ही लग रहे थे। एमसीक्यू का मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ना, तो मल्टीपल चॉइस है तो चॉइस तो एक से ज्यादा भी हो सकती है, उसका ये मतलब थोड़ी लिखा कि मल्टीपल चॉइस हैविंग ओनली वन सॉल्यूशन, ऐसा नहीं लिखा हुआ मैंने। देखो तो जनरल ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि पेपर के लिए उस फ्रेम ऑफ माइंड में रहना जरूरी है, क्योंकि तुमने अभी यू सेट का पेपर भी देखा तो वहां भी आपने ये चीज नोट। अच्छा इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लो, ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो है, फोर एन इज इक्वल टू वन, फोर एन इज इक्वल टू वन है ना, ये एन इज इक्वल टू वन है, एन इज इक्वल टू वन है, तो ये कह रहा एन इज इक्वल टू वन के लिए, 2 मिनट है मैं उसको भी खोल देता हूँ, इसको सॉल्व करना पड़ेगा वन नॉट। अब होता क्या है जो जितने ज्यादा एप्लीकेशन खुलते हैं उतना ज्यादा वो भी दिक्कत करता है, फिर ये क्या, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जो अब मैं 3 क्वेश्चन करा रहा हूं इनमें से आपको पेपर में थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इसका जवाब जो बच्चा देगा वो ठीक है ना। तो देखो ये पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर मैं इसको सॉल्व कराऊंगा यहाँ पर ना, फिर पढ़ लो ये कह रहा 4n = 1 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स नॉट टू एक्स वन एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, मैं लिख देता हूं क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन, क्वेश्चन देख लो जरा मैं लिख रहा हूं, क्वेश्चन है 4n = 1, 4n = 1 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स नॉट टू एक्स वन और एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, सो 4 ऑप्शन यू हैव, ऑप्शन ए यू हैव h/2 और ये है आपके पास f0 + f1, ये ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी यू हैव f0 + f1, ऑप्शन सी यू हैव h/2 f0 - f1 और ऑप्शन डी यू हैव h/4 एंड देन f0 + f1। तो अब आपको बताना है कि कौन सा आंसर सही है इनमें से, है ना, बताइए सर, ठीक है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ऑप्शन ए, अच्छा ऑप्शन ए सर, चलो ऑप्शन ए के साथ, नहीं जो लोगों का ऑप्शन ए है ठीक है ओके, इसका है और भी है कोई, कितने लोग हैं जो ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं सर, ऑप्शन ए, नहीं तो यस सर ऑप्शन ए, तो तुमने सॉल्व करा इसको या सीधे ही बोले कि ऑप्शन ए, अच्छा दिमाग में किया सॉल्व, वेरी गुड। सर डी है जी, डी है सर, इसका आंसर दिमाग में सॉल्व कर लिया, अच्छा डी है, वेरी गुड, ठीक है शाबाश, ठीक है, और कोई और किसी का लग रहा है तो बता सकता है ना, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, अगर तुमने दिमाग में सॉल्व कर लिया बहुत अच्छी बात है। तो अब देखो जरा मैं सॉल्व करता हूं इसको और क्या आता है, देखो हमारे पास जो न्यूटन कोट क्वाड्रेचर फॉर्मूला था वो ये था एक्स नॉट टू एक्स एन, समझ लो क्योंकि ये 4 सवाल हैं तो एक कर रहा हूं तो 3 पे तुम फिर खुद करोगे, तो ये था हमारे पास एन एच इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस एन बाई टू डेल वाई नॉट
प्लस एन टू एन माइनस थ्री अपॉन 12 और डेल स्क्वायर वाई नॉट, डेल स्क्वायर वाई नॉट प्लस एन एन माइनस टू का होल स्क्वायर बाय 24 एंड देन यू हैव डेल क्यूब वाई नॉट, डेल क्यूब वाई नॉट एन प्लस एंड दिस इज यू हैव अप टू एन प्लस वन टर्म्स. दिस इज वी हैव द जनरल कोट्स क्वाड्रेचर फॉर्मूला. यू कैन से दैट कि ये जो है जनरल फॉर्मूला है, ठीक है ना. अब उसने कहा फोर एन इज इक्वल टू वन एक्स नॉट टू एक्स वन एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, है ना, एक्स नॉट टू एक्स वन एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू. तो अब मैंने कहा कि ठीक है भाई, आपने क्या करा एक्स नॉट टू एक्स वन, यानी पहले वाले तक जा रहे हो आप ना, फर्स्ट वाले तक जा रहे हो और एन इज इक्वल टू कितना है वन है. तो ये हो जाएगा आपके पास, ये वाई डी एक्स है ना. तो क्योंकि यहां पर ये एफ एक्स बोल रहा है ना, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एफ एक्स बोल रहा है. तो वो मैंने कहा ना नोटेशन पे ज्यादा मत जाना, क्योंकि नोटेशन हर किताबों में अलग अलग है. तो लेकिन हमें पता है कि वाई नोट वाई लिख लो, एफ एक्स डी एक्स लिख लो, बात एक ही है. तो देखो एन की जगह एक रखोगे तो एन की जगह एक रखा आपने, फिर एच आ जाएगा और फिर ये आ जाएगा आपके पास वाई नोट. तो वाई नोट को आप लिख सकते हो, वाई नोट ही रहने दो अभी, लो वाई नोट प्लस एन, एन तो हो गया वन बाई टू और ये हो गया आपके पास डेल वाई नोट. ये कितना हो गया डेल वाई नोट, है ना, ये आ जाएगा आपके पास डेल वाई नोट. ठीक हो गया साहब. और हमने इसको क्या करा, क्योंकि आपको पता है वो एन इज इक्वल टू वन है, तो हम इसको कहां तक कंसिडर कर रहे हैं, जो ये आपका पहला डिफरेंस है, कहां तक, जो पहला डिफरेंस आपका आया था डेल वाई नोट इज द फर्स्ट डिफरेंस यू हैव, तो यहां तक कंसिडर कर रहे हैं. अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो ये आएगा एच, ये आएगा वाई नोट प्लस वन बाई टू और डेल वाई नॉट की वैल्यू क्या होती है बताओ. देखो मैंने आपको बताया था डेल एफ एक्स की वैल्यू होती है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, है ना, ये बता रखा है. फिर मैंने कहा था अगर ये डेल वाई नॉट की फॉर्म में आ जाता है तो ये ऐसा हो जाता है वाई एक्स प्लस एच माइनस वाई एक्स. और मैंने ये भी बताया था आपको कि इन जनरल आप एच को वन लेते हैं, तो ये हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा क्योंकि यहां पर ये जीरो है, तो ये हो जाएगा जीरो प्लस वन माइनस वाई जीरो, तो यानी आ जाएगा वाई वन माइनस वाई जीरो, यानी डेल जो डेल वाई नॉट की वैल्यू आएगी वो आएगी वाई वन माइनस वाई जीरो, आएगी कि नहीं आएगी, ठीक है ना. हेलो जी सर, जी सर, ठीक है जी सर, वाई वन माइनस वाई जीरो, समझ लो थोड़ा ना चीजें, बाकी तो कोई बात नहीं. सही गलत तो उस दिन करना जिस दिन मैं बड़ा टेस्ट लूंगा, वो जो 60 क्वेश्चंस का टेस्ट होगा एक घंटे का, तो उसमें मैं चाहता हूं कि उसमें एक घंटे का दूंगा मैं और 60 ही क्वेश्चन दूंगा, तो एक मिनट एक क्वेश्चन के हिसाब से आप लोगों का पेपर होगा ना, तो उसकी तैयारी अच्छे से कर लेना. ये तो अभी एक थोड़े सैंपल क्वेश्चन टाइप के हैं. तो एच आ जाएगा, अब क्योंकि एफ में चाहिए तो हम इसको एफ में बदल देते हैं. वाई नॉट को हमने लिख लिया एफ नॉट वन बाई टू, क्योंकि इसने नोटेशन एफ वन लिया है तो एफ वन कर देते हैं और ये आ गया एफ नॉट, है ना. अब इसको सॉल्व करा तो एच आएगा, दिस इज एफ नॉट प्लस हाफ ऑफ एफ वन और माइनस हाफ ऑफ एफ नॉट, है ना. इसको सॉल्व करेंगे आप तो कितना आ जाएगा, अरे कितना हाफ ऑफ एफ वन प्लस हाफ ऑफ एफ नॉट आ जाएगा ना. सो ये आ जाएगा एच बाई टू, तो ये आ जाएगा आपके पास एफ नॉट प्लस एफ वन, है ना. तो एच बाई टू एफ नॉट प्लस एफ वन. तो कई लोगों ने बोला था कि सर इसका आंसर क्या है, ए है. तो जिन्होंने बोला था बहुत अच्छी बात है, शाबाश, ठीक है. तो जिन्होंने और भी बोला है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने कैलकुलेट करके बोला तब तो बहुत अच्छी बात है. अगर आपने इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करा और तुमने अनुमान लगाया है तो भी अच्छी बात है, इसका मतलब तुम्हारा अनुमान भी बहुत अच्छा है, ठीक है ना. बट आई थिंक सर ट्रॅपेझॉइडल से अनुमान लगाया था मैंने, ठीक है, ठीक है, शाबाश. लेकिन दो इंटरवल में ब्रेक करके एच बाय टू आ रहा था ना उसकी वैल्यू, सर आगे सॉल्व करेंगे इसमें डेल स्क्वायर वाई जीरो, इतना आगे नहीं करेंगे सॉल्व. अरे भाई मैं कह तो रहा हूं n इज इक्वल टू 1 है तो पहले डिफरेंस तक ले जाएंगे ना इसको डेल वाई नॉट, ठीक है. यस, ये तो डिस्कस करा था जब मैंने क्वाड्रेचर फार्मूले में n इज इक्वल टू 1 रखा, वही चीज है जो पढ़ा दिया उसका रिवीजन समझो. ये क्वेश्चंस नहीं है, ये रिवीजन है जो आजकल पढ़ाया मैंने 3-4 दिन में न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में, उसी का तो रिवीजन चल रहा है, ठीक है. अब अगला क्वेश्चन देखो जरा, अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी सेम इसी पैटर्न पे है. सर इसको हम सॉल्व क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको तो पता है ना कि n = 1 के लिए प्रतिक्रिया नहीं होता. क्या
हाँ, ठीक है वो तो फिर समझ, डायरेक्टली हम जैसे भी तो वो नहीं पे कर नहीं सकते अरे हैं। मैं समझ रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ अगर तुम्हें ट्रेपीजोडियल कई कंडीशन होती है, तुम्हें अभी लग रहा है क्योंकि आजकल तुम ये पढ़ रहे हो तुम ना, लेकिन पेपरों में भाई कंफ्यूजन हो जाता है, सिम्पसन वन थर्ड, सिम्पसन थ्री एट, वो तो तुम्हें भी पता है कि एच इज इक्वल टू, क्योंकि जो ट्रेपीजोडियल रूल है वो स्टार्ट ही यहीं से होता है, एच बाई टू, और पहला और लास्ट टर्म जो लेते हैं ना एफ नॉट प्लस एफ एन लेते हैं उसमें, शायद एफ नॉट प्लस एफ एन यानी वाई नॉट प्लस वाई एन लेते यस हैं, तो वो तुमने वहां से हिसाब लगा लिया, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आपके दिमाग में वो आइडिया भी तो होना चाहिए कि ये चीज बनती कैसे है। अब सब चीज हम याद ही थोड़ी रखेंगे, ये ध्यान में नहीं रखेंगे, तो ये एक तरीका है कि उस तक पहुंचने का एक तरीका है मतलब। तो अगर मान लो आप बाई चांस 1% भी आपके दिमाग से इधर उधर कोई बात हो गई, और उस केस में, और दूसरा ये है कि मैंने अभी बताया था कि ये वाली वीडियो जो है मैं उसमें भी डालूंगा आज, किसमें, वहां भी डाल दी मैंने, तो उसके केस में वो जो बच्चे देखेंगे ना तो वो डायरेक्ट नहीं समझेंगे, तो इनके लिए वहां समझा भी दिया मैंने, ठीक है समझ गए, अब आ गया होगा तुम्हें समझ में, होशियार बच्चे हो तुम, ठीक है। ठीक है। हाँ, ये वहां डालनी है ना मैंने आज, कहाँ, उसमें अपने चैनल में भी सूचियों डालनी है, तो इसलिए मैंने कहा थोड़ा सा उनको आइडिया भी रहना चाहिए ना, एन इज इक्वल टू टू, इसीलिए तो एक ही सॉल्व कराया, बाकी तुम आप खुद ही करोगे, एक्स नॉट टू एक्स वन ये हो जाएगा, और एफ एक्स डी एक्स ये है क्वेश्चन, फोर एन इज इक्वल टू टू एक्स नॉट टू एक्स वन एफ एक्स डी एक्स, अब सही बताना मेरे को है मतलब एक्चुअल सोच के, चाहे तुम्हारे पास फॉर्मूले सबके पास लिखे हैं उन फॉर्मूलों से देख के बताना, लेकिन मुझे ये आंसर करेक्ट देना, लेकिन जिससे मैं पूछूं वही बोलेगा ना, सब मत बोलना, ऑप्शन ए है जिससे मैं पूछूंगा वही बोलेगा, एच बाई थ्री, ऑप्शन ए है साहब आपके पास, एच बाई थ्री एफ नॉट प्लस एफ वन प्लस फोर एफ टू है ना, ऑप्शन बी है आपके पास एच बाई थ्री एंड दिस इज एफ नॉट प्लस फोर एफ वन प्लस एफ टू, देन ऑप्शन सी यू हैव, ऑप्शन सी एच बाई थ्री फोर एफ नॉट प्लस एफ वन प्लस एफ टू, और ऑप्शन डी यू हैव, ऑप्शन डी एच बाई थ्री एंड दिस इज एफ नॉट माइनस फोर एफ वन, राइट, सो द करेक्ट ऑप्शन इज, है ना, अब मैं जिससे पूछूं वही बताएगा, है ना, सम्मत बोलना अभी, है ना, हाँ, या तो तुम चाहो तो मुझे अपने अपने आंसर मैसेज भी कर सकते हो, मतलब बोल के मत करो, मेरे को पर्सनल नंबर पे मैसेज कर दो इसमें ना, तो मैं उस पर भी देख लूंगा कि किसने कौन सा आंसर लगाया है, तो भेज दो जरा फटाफट, भेज दिया होगा आप लोगों ने अभी तक तो मुझे लग रहा है ना, और मैंने फिर कहा कि आप इसको सॉल्व करके भी निकाल सकते हो, मतलब क्योंकि बार बार तो तुम्हें दिक्कत तो रहेगी, क्योंकि आपने वैसे तो फॉर्मूला याद कर रखा है, तुम्हें पता है कि एन इज इक्वल टू टू के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है, तो उसके हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हो, जो एन इज इक्वल टू टू है उसके हिसाब से आप अनुमान लगा सकते हो कि एन इज इक्वल टू टू के लिए कौन सा फॉर्मूला बनता है, तो उसमें ये टर्म होगी, उस फॉर्मूले में इस पैटर्न की टर्म्स होंगी, तो वहां से देख के आइडिया लगा सकते हो, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा है तो तुम सॉल्व भी कर सकते हो, जैसे मैंने ऊपर वाला सॉल्व किया, तो वैसे इसको भी हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, भेज दिया आंसर, मुझे लग रहा है लगभग सबने भेज ही दिए होंगे, मैं देख लेता हूँ एक बार, आप लोग अपना अपना भेज देना है ना, और भेज दिया करो, थोड़ा मुझे आइडिया भी लगे कि कहाँ कहाँ तक मैं कितना सही जा रहा हूँ, मैं कितना गलत जा रहा हूँ ना, ठीक है जी, किसी का नहीं आया अभी तो, आगे हाँ कल्पना जी को, अरे 2 मिनट हैं, एक बात बोली इन्होंने, मैंने वो करा भी है कि नहीं करा है, हाँ हो रहा है हो रहा है हो रहा है हो रहा है हो रहा है, हाँ बोलो, कर दिया, कर दिया ना सबने मैसेज, यस ठीक है, अनीता जी का आ गया, राणा जी का आ गया, अंकित अवस्थी का आ गया, और लोगों का नहीं आया, हाँ तो ठीक है, इसका आंसर आप लोगों ने, अधिकतर लोगों ने क्या दिया है, बी दिया है, क्या दिया है, बी दिया है, तो बी इज द करेक्ट आंसर है ना, बी जो है इसका करेक्ट आंसर है, तो मैंने फिर कहा कि आप उसको वैसे भी कर सकते हो, कैसे, अगर किसी को लगता है कि मन में डाउट है और जो आपको उसमें, क्योंकि वो फॉर्मूला जो लिखा रखा है मैंने वो वाला ना,
जो ट्रेपीजोडियल लिखा वो सॉरी सिम्पसन मेथड लिखा रखा है वहां से भी आप इसके आंसर्स को पता कर सकते हो, मतलब ना वहां से भी आपका इसका आंसर पता लग जाएगा कि उसमें आप देख लो इस पैटर्न में तो बी वाला पैटर्न है, एच बाई थ्री होता है उसमें, फिर एफ नॉट, ठीक है, और फिर एक फोर टाइम्स ऑफ एफ वन प्लस एफ टू, और चाहे तो इसको आप क्या कर सकते हैं कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हैं, मतलब अगर कैलकुलेट करके निकालना है तो वो भी आप लोगों को पता ही है कि आना ही चाहिए, क्योंकि वो एक्स नॉट और ये बन जाएगा आपका एक्स टू और ये हो गया एफ एक्स डी एक्स, तो ये आ जाएगा टू एच, ये आ जाएगा टू एच क्योंकि एन की जगह टू रख दिया, किसमें ये जो फॉर्मूला लिखाया था अभी ऊपर, ये देखो ये एन की जगह टू रख दिया, ये जनरल क्वाड्रेचर फॉर्मूले में एन की जगह टू रख दिया, तो ये टू एच हो गया, वाई नॉट आएगा ही आएगा, तो वाई नॉट माने एफ नॉट, वाई नॉट यानी एफ नॉट आएगा, फिर आएगा आपके पास, फिर दूसरी टर्म है आपके पास कितनी है देखो एन बाई टू डेल वाई नॉट, एन बाई टू डेल वाई नॉट, तो एन बाई टू का मतलब हो जाएगा टू बाई टू, एन बाई टू का मतलब हो जाएगा टू बाई टू और डेल वाई नॉट, तो ये आ जाएगा डेल एफ नॉट, डेल एफ नॉट, और फिर है अगली जो टर्म आ जाएगी आपके पास वो ये वाली आ जाएगी, कौन सी, ये डेल स्क्वायर, क्योंकि एन इज इक्वल टू टू लिया है तो डेल स्क्वायर तक लोगे ना, सेकंड डिफरेंस लोगे क्योंकि सेकंड डिफरेंस पे वो कॉन्स्टेंट हो जाएगा, थर्ड पे जीरो, तो डेल स्क्वायर वाई जीरो वाली जो टर्म है एन इज इक्वल टू टू, तो इसको भी लेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे, अगर इसमें एन इज इक्वल टू टू रखते हैं तो टू टू जा फोर माइनस थ्री वन, वन इंटू टू तो वन बाई सिक्स आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये वन बाई सिक्स और डेल स्क्वायर वाई नॉट, वन बाई सिक्स डेल स्क्वायर वाई नॉट, यह आ जाएगा आपका वन बाई सिक्स और डेल स्क्वायर एफ नॉट, ठीक है ना। बस अब आपको क्या करना है वो लगा देना है जो मैंने अभी बताया था, एफ नॉट प्लस टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो डेल एफ जीरो का मतलब क्या होता है एफ वन माइनस एफ जीरो, और ये आएगा वन बाई सिक्स, और डेल स्क्वायर एफ नॉट की वैल्यू अलग से निकाल लेना, डेल स्क्वायर एफ नॉट की वैल्यू निकालोगे डेल डेल एफ नॉट करके, तो डेल और डेल एफ नॉट करोगे तो डेल एफ नॉट होता है एफ वन माइनस एफ जीरो, फिर ये एक बार लग गया अब दोबारा लगाना है तो ये आ जाएगा डेल एफ वन माइनस डेल एफ जीरो, तो फिर इसमें लगाओगे तो एफ वन हो जाएगा एफ टू माइनस एफ वन और डेल एफ जीरो हो जाएगा एफ वन माइनस एफ जीरो, तो इसको सॉल्व करोगे तो तुम हो जाएगा एफ टू और एफ वन, एफ वन कितना हो जाएगा माइनस का टू एफ वन और प्लस एफ जीरो, प्लस का एफ जीरो, तो ये वैल्यू आ जाएगी इसकी, इसकी वैल्यू आ जाएगी एफ टू माइनस का टू एफ वन और माइनस माइनस प्लस का एफ जीरो, ये आ जाएगा, फिर इसको सॉल्व कर लोगे आप टू एच, इसको सॉल्व कर लोगे पूरा तो आपको यही मिलना है लास्ट में, क्या जो आप लोगों ने टिक लगाया है एच बाई थ्री एफ नॉट प्लस फोर एफ वन प्लस एफ टू, ये मिल जाएगा आपको, ये मिल जाएगा आपको जो आप लोगों ने सबने ऑप्शन बताया, तो करेक्ट ऑप्शन है बी, कौन सा ऑप्शन सही है इसका, बी ऑप्शन सही है एच बाई थ्री एफ नॉट प्लस फोर एफ वन प्लस एफ टू, है ना, तो शाबाश, ठीक है, सभी का लगभग लगभग ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसी पर तीन वाला भी बनता है, तो तीन वाला मैं तुम्हें भेज दूंगा, तीन वाला जो क्वेश्चन है वो मैं तुम्हें लिख के दे दूंगा, वो थ्री एच बाई एट करके बन जाएगा ना, तो वो तुम्हें पता है सिम्पसन थ्री एट से बन जाएगा। अब कुछ और क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, ये थोड़े ये अलग पैटर्न के हैं, अब इसको देखो जरा ना, अब यहां पर आ जाओ क्वेश्चन नंबर पांच पे आ जाओ, टू अप्लाई दी ट्रेपीजोडियल रूल, टू अप्लाई दी ट्रेपीजोडियल रूल ऑलवेज डिवाइड द गिवन रेंज ऑफ इंटीग्रेशन इंटू एन पार्ट्स, एन एन स्मॉल है ये सब जगह कैपिटल हो रखा एन, वेयर एन इज, तो बताओ क्या होगा ऑप्शन, चार ऑप्शन है आपके पास, इवन, ऑप्शन बी है ऑड, ऑप्शन सी है वन टू थ्री फोर, ऑप्शन डी है वन थ्री फाइव सेवन, वन थ्री फाइव, वन थ्री फाइव सेवन, ठीक है साहब, तो ये है, फिर सुन लो एक बार, क्वेश्चन सुन लो पहले, टू अप्लाई द ट्रेपीजोडियल रूल, आपको ट्रेपीजोडियल रूल अप्लाई करना है, ऑलवेज डिवाइड द गिवन रेंज ऑफ इंटीग्रेशन, जो रेंज ऑफ इंटीग्रेशन है इंटू एन पार्ट्स, स्मॉल एन पार्ट्स में, वेयर जो ये एन होते हैं जिनको हम सब इंटरवल बोल रहे थे कल, क्या बोल रहे थे, सब इंटरवल बोल रहे थे, एन इज वो कितना होगा ये बताना है आपको ना, इवन होगा वो नंबर, ऑड होगा वो नंबर, वन टू थ्री फोर होगा या वन थ्री फाइव सेवन होगा, नेचुरल नंबर, कौन सा होगा, हाँ ऑप्शन सी, हाँ ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर आएगा, वन टू थ्री फोर, क्यों होगा,
क्योंकि ट्रेपीजोडियल रूल के लिए एन इज इक्वल टू वन से निकलता है, तो वो क्या करता है सबके लिए चलता है। फिर वो कैटेगरीज वाइज जो डिवाइड होता है वो सिम्पसन 1/3, 3/8 और बैडल्स बूल्स, इनके लिए वो फिर कैटेगरी वाइज आगे बढ़ता रहता है, वो मैंने बताया था आपको। तो इसका जो आंसर आएगा आपके पास वो आएगा 1, 2, 3, 4। क्या आएगा इसका आंसर? 1, 2, 3, 4 इज द करेक्ट आंसर यू है। 1, 2, 3, 4 इज द करेक्ट आंसर यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू अप्लाई द सिम्पसन 1/3 रूल। अब क्या अप्लाई करना है आपको? सिम्पसन 1/3 रूल, ऑलवेज डिवाइड द गिवन रेंज ऑफ इंटीग्रेशन इन टू एन इक्वल पार्ट। किसमें डिवाइड करना है? एन इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, वेयर एन इज। हाँ तो देखो एन, एन मतलब स्मॉल एन है यहाँ और ये एन। तो कह रहा है अब बताओ अगर आपको सिम्पसन 1/3 रूल अप्लाई करना है, कौन सा रूल अप्लाई करना है? सिम्पसन 1/3 रूल, और डिवाइड द गिवन रेंज ऑफ इंटीग्रेशन इनटू एन इक्वल पार्ट्स। मैं फिर बता दूं जितने क्वेश्चंस मैंने तुमको भेजे हैं, जो फोटो में भेज रहा हूं, जो मैं करा रहा हूं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा तुमका, नहीं बनेगा ये, मैं आपको आई एम वेरी मच श्योर ना, मतलब ठीक है। इसलिए इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लेना ताकि अगर ये थोड़ा लैंग्वेज बदल के भी वो चाहे कैसे भी दे आपको पेपर में, आपको करना ही करना है मतलब ना। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही है, मल्टीपल पता है ना क्यों? क्योंकि कल बताया था वो किसमें टूटता है, जब एन इज इक्वल टू 2 रखते हैं, तो एन इज इक्वल टू 2 रखते हैं तो इवन नंबर में तोड़ना है इसको। किसमें तोड़ना है? इवन नंबर में तोड़ना है, मैंने कल बताया भी था किसमें तोड़ते हैं, इवन नंबर ऑफ सब इंटरवल में। जब मैं कल अप्लाई भी कर रहा था उसको, जो कल आया भी था क्वेश्चन 0 to 1 था, 1/1 + x² और dx कुछ ऐसा था, तो मैंने कहा था जब सिम्पसन 1/3 रूल लगाते हैं तो आपको क्या करना है, जिसमें हमने ये भी बोला था कि आप स्ट्रिप गिनोगे, ये मत गिनना क्या, जैसे x0, x1, x2, x3, x4। तो एक्चुअली वो जीरो से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इस तक एक ही पार्ट गिना, ये दूसरा पार्ट बना, ये तीसरा पार्ट बना और ये चौथा पार्ट बना। x0 से x1 तक एक पार्ट बना, फिर x1 से x2 तक दूसरा पार्ट बना, x2 से x3 तक तीसरा पार्ट बना, और फिर x3 से x4 तक चौथा, तो बने वो चार ही। तो नंबर ऑफ जो इंटरवल होते हैं वो क्या होने चाहिए? इवन होने चाहिए इन केस ऑफ व्हेन यू आर गोइंग टू अप्लाई द सिम्पसन 1/3 रूल, है ना। तो इसका आंसर हो गया इवन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इफ यू वांट टू अप्लाई द सिम्पसन 3/8 रूल, अगर आपको सिम्पसन 3/8 रूल अप्लाई करना है, सो ऑलवेज डिवाइड द गिवन रेंज ऑफ इंटीग्रेशन इन पार्ट्स वेयर एन इज। तो अब ये तुम्हें पता ही होगा क्या होगा इसका ऑड, ऑप्शन सी है, ऑप्शन बी ऑड, ऑप्शन तो वो किसके मल्टीपल में चलता है? 3 के मल्टीपल में चलता है। किसके मल्टीपल में चलता है? 3 के मल्टीपल में, 3, 6 ठीक है, 9, 12, 15, 18 ठीक है, इसलिए आगे आगे ये भी चल रहा है, मतलब सिम्पसन 3/8। तो वो वैसे भी तुम्हें पता है, मैंने कहा अब आपको एक पैटर्न तो पता लग ही गया, क्योंकि एन इज इक्वल टू 1, एन इज इक्वल टू 1 है तो तब ये सिंपल चलता है, 1, 2, 3, 4 ठीक है। फिर n इज इक्वल टू 2 है, तो n इज इक्वल टू 2 का मतलब है इवन नंबर में चलता है। किसमें चलता है? इवन नंबर में चलता है। फिर n इज इक्वल टू 3 है, तो 3 के मल्टीपल में चलता है, 3, 6, 9 ऐसे चलता है। और अगर n इज इक्वल टू 6 था, कौन सा था? वेडल्स फॉर्म। हाँ, तो वो किसमें चल रहा था? 6 वाला मल्टीपल ऑफ 6। हाँ ठीक है, तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि इस तरीके से इसको करना है। तो आठवां क्वेश्चन तो मैंने ये करा दिया, फॉर n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2, x0 टू x1 ये अभी